वेलकम दोस्तों, एक बार फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द सैयद्स डिजाइनिंग्स। यहाँ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ के अंदर किसी भी डिज़ाइन में बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं। तो आज मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ A4 साइज के पेज पर और मुझे वहां पर 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर देना है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ मार्जिन छोड़ना होगा ताकि प्रिंट हमारा जो निकल कर आए आउटपुट वो कहीं से कटे ना, बल्कि जितना भी हमने ड्राइंग एरिया बनाया है, जितना भी ड्राइंग एरिया है वो पूरा कंप्लीट आए। तो थोड़ा सा पहले मार्जिन छोड़ देंगे। वन सेंटीमीटर, 1/1 कर देते हैं। व्यू में जाने के बाद स्नैप टू गाइडलाइन, यहां से गाइडलाइन लेंगे और पेज के एजेस पर लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल वे है मार्जिन लगाने के लिए। तो ये एरिया मार्जिन छूट गया और ये बीच में जो रेक्टेंगल है इस पर हम ड्राइंग करेंगे। चलिए इसे कोई एक कलर फिल कर देते हैं ताकि हाइलाइटेड रहे। कोई एक बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। Maybe 1। मैंने शॉर्टकट का यूज किया है, अलाइन वर्टिकली और अलाइन सेंटर वर्टिकली और अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली के लिए C और E। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, स्केल इट। सी और ई, ये एक कोरल ड्रॉ का बेस्ट ऑप्शन है कि अलाइन सेंटर वर्टिकली और अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली करने के लिए शॉर्टकट की अवेलेबल है, जबकि इलस्ट्रेटर में ये अवेलेबल नहीं है। एडोब इलस्ट्रेटर में तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है कोरल ड्रॉ का। इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद कॉर्नर पर रख देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पोजिशन। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ साइड पेन आ जाएगा, तो यहाँ पहले से मेरा खुला हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं राइट हैंड पर कॉपीज अप्लाई करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट एक और बन जाएगा राइट हैंड साइड पर। अगर नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने हैं तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 10।
और जो एक्स्ट्रा है उनको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। अब मुझे नीचे की तरफ कॉपीज चाहिए, 10 कॉपीज, सॉरी नीचे की तरफ। तो ये लोअर सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जितनी कॉपीज चाहिए उतनी कर लेते हैं। मैंने 10 किया है और जो बढ़ती हैं उनको मैं सिंपली ऐसे डिलीट कर दूंगा। अब सेंटर 10, 1 कर लेता हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने बॉर्डर बना लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा एक्सीड कर रहा है हमारे ड्राइंग एरिया से जो हमने, तो हम सिंपली इस सब को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। और ग्रुप करने के बाद ड्राइंग एरिया के अंदर कर देते हैं इसको। तो देखें यहाँ बहुत ही आसानी के साथ हमने बॉर्डर इसका तैयार कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉर्डर का बैकग्राउंड अलग हो और हमारे ड्राइंग का बैकग्राउंड अलग हो, तो एक और रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे। एजिस तक बॉर्डर को उठाकर अलग रख देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम। अब यहाँ इसका बैकग्राउंड अगर येलो या जैसा भी आप चाहें, और पी फॉर सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर अलग, बॉर्डर के बैकग्राउंड का कलर अलग, और आर्ट बोर्ड का कलर जो चाहें आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सिंपल सा एक ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।